राज्य सरकार प्रत्येक ब्लॉक रे साधारण लोकों गमनागमन समस्या दूर करने अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण कर आउ एमिति रे गोप बाजार निकट रे मध्य बस स्टैंड निर्माण पर जमी अधिग्रहण करा जायछि। एही अधिग्रहण चिन्हट जमी रे बेआईन भाव में 51 गोटी दुकान सहित बासगृह कर 4 गोटी परिवार रहुथिले। मात्र जबरदखल उच्छेद करिबा लागि प्रथमे गोप तहसील ऑफिस पक्षरु नोटिस जारी करा जायथिला। आउ परे आज शनिवार तहसील कार्यालय पक्षरु उच्छेद प्रक्रिया करा जायछि। एही उच्छेद प्रक्रिया समय रे जणे युवक गंडगोल करथिले, तेबे स्थानीय पुलिस संगे संगे से ही युवक को धरी नहीं। उच्छेद समय रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर नूतन अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण पर 4 कोटी टंका व्यय बराद होता बेले पूर्वर राज्य सरकार पक्षर गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास बस स्टैंड शिलान्यास करते गोप बजार निकट में दुकान बजार कर परिवार भरण पोषण करुवा व्यवसायी को खूब शीघ्र मार्केट कम्प्लेक्स निर्माण कर दुकान गृह बंटन होना पड़ी। जिते ब्लक अच्छी सब ब्लक हेडक्वार्टर बस स्टाण डेवलपमेंट करवा आम अनरेबल चीफ मिनिस्टर गोटे यहाँ हूँ स्कीम यहाँ से स्कीम को इम्प्लीमेंट करने गो ब्लक जो लैंडटा आम आज एविक्शन देखल से गोटे बहुत दिन है एनक्रोच होविक्शन करें आज तक भांगल एंड आज पर जो जूनियर इंजीनियर प्लान कर बेस करके मॉडर्न गोटे बस स्टाण डेवलपमेंट हम जोटा कि गो पूरी गोपुरु शत्रुघ्न सेनापति रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।